नमस्कार। आज के एपिसोड में आपका पुनः स्वागत। आज हम वेद के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे, जानेंगे वेद क्या है, क्या उनके नाम है, वो कहाँ से आए, किसने किसको बताया वगैरह वगैरह। वेदों के बारे में क्यूरियोसिटी रखने वालों के लिए उपयुक्त आज का वीडियो। Ancient India Vedas Gita. वेद किसको कहते हैं? वेद क्या है? वेद शब्द के अर्थ का मतलब ज्ञान है। वेद कितने हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताइए। वेद चार हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। वेदास वेद में क्या है? वेदों में क्या लिखा है? मनुष्यों को किस तरह के काम करने चाहिए? परिवार, समाज, देश और संसार की उन्नति कैसे हो सकती है तथा संसार में शांति कैसे रह सकती है? ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए? इत्यादि सब बातें वेदों में बताई गई हैं। उनसे सबको लाभ पहुंच सकता है। वेदास वेदों में कितने मंत्र हैं? चारों वेदों में 20,228 मंत्र है। वेदों का ज्ञान किसने और क्यों दिया? वेदों का ज्ञान ईश्वर ने दिया, जो सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला है। उसने यह ज्ञान इसलिए दिया कि सबको सुख शांति और आनंद प्राप्त हो सके। ईश्वर माता पिता के समान हम सब पर दया करने वाला है। जैसे माता पिता बच्चों की भलाई के लिए उन्हें अच्छी बातें सिखाते हैं, वैसे ही हम सबके परमपिता और दयालु माता ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान दिया, क्योंकि वह हम सबकी भलाई चाहता है। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने कब दिया? यह ज्ञान ईश्वर ने मनुष्य सृष्टि के शुरू में दिया था। यदि पीछे देता तो पूर्व सृष्टि उसके लाभ से वंचित रहती। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने क्यों और किसको दिया? चार वेद किसने लिखे? वेद का लेखक कौन है? वेदों का ज्ञान ईश्वर ने मनुष्य सृष्टि के शुरू में ऋषियों को दिया, क्योंकि वे उस ज्ञान के बिना कुछ नहीं सीख सकते थे और न समझ सकते थे कि कौन से काम करने चाहिए। जब तक हमें कोई लिखलाने वाला न हो, तब तक हम लिखना पढ़ना नहीं सीख सकते। सृष्टि के शुरू में सिवाय ईश्वर के कौन मनुष्यों को उपदेश देता? उन चार ऋषियों के नाम जिनको मनुष्य सृष्टि के शुरू में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा थे। क्या ईश्वर ने कागज, कलम और स्याही लेकर लिख दिया, अथवा वह वेद ज्ञान कैसे दिया? ईश्वर सबके अंदर व्यापक है। ऋषियों के हृदय पवित्र थे। ईश्वर ने उनके हृदयों में वेदों का ज्ञान भर दिया। ईश्वर को सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान होने के कारण न कागज, कलम, स्याही की जरूरत है और न मुंह से बोलने की। बस हृदयों को प्रेरणा देना ज्ञान भरने के लिए पर्याप्त था। क्या ईश्वर का ज्ञान बदलता रहता है? नहीं, ईश्वर का ज्ञान सदा एकरस अर्थात ठीक वैसा ही बना रहता है। उसे अपना ज्ञान बदलने की कोई जरूरत नहीं होती। क्या वेद किसी विशेष जाति व देश के मनुष्यों के लिए है? नहीं, वेद सारे संसार के मनुष्यों के लिए है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि सब प्राणी सुखी हो सके। ईश्वर सारे संसार का पिता है, लेकिन किसी विशेष जाति व देश के लोगों का। इसलिए वेद पढ़ने का अधिकार उन सब मनुष्यों को है जो अच्छा बनना चाहते हैं। यही बात वेदों में स्वयं ईश्वर ने बताई है। यथेमा वाच कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्मराज न्याध्या शूद्राय चार्याय चारणाय चस्वाय। ये जो शून्य 26/2, इसका अर्थ यह कि सबकी भलाई करने वाले वेद ज्ञान को मैंने सारे मनुष्यों के कल्याण के लिए दिया है। इसलिए ऋषि दयानंद जी की इस आज्ञा को कभी मत भूलो और सदा वेद का स्वाध्याय किया करो। वेद विद्याओं का पुस्तक है।
वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आजचा एपिसोड कसा वाटला त्याबद्दल नक्की सांगा। आज का ये भाग नए प्रयोग के साथ कैसे लगा जरूर बताइए। नमस्कार।